अस्सलाम वालेकुम। अज असो लेक्चर नंबर टू है चैप्टर नंबर थ्री फ्रॉम फर्स्ट ईयर क्लास। अज अस पढ़ा क्रोक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्रोक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, क्रोक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट है। Discovery of electron and proton within atom. He I on the basis of this experiment is on the basis of passing electricity through gases at low pressure, at a lowest pressure and give about pressure and give about electron and proton within atom. Here is an experiment, Crookes tube experiment, jai mein sa current ke pass kanda se gases ma lowest pressure te ione ma sa kabar pandi presence of electron na presence of proton na in the atom de andar. So atwani असा क्रोक्स ट्यूब का हटाया हूं, दिस इज गिलास ट्यूब, दिस इज द गिलास ट्यूब। असा इन गिलास ट्यूब में एक साइड का माइनस इलेक्ट्रोड था रखाऊं, दैट इज द कैथोड, ए बे साइड का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था रखाऊं, that is anode. Glass tube ke seal ke hua cathode anode battery sa, cathode electro anode electrode sa, and cathode anode ke sa connect ke hua high voltage battery sa, plus sign, minus varo side minus sa, electrode ji minus battery ji minus sa, electrode ji plus battery ji plus sa. हाँ ही नमी पहरिया एयर फिल थेलाया एयर भरेला है तकरीबन 5000 का वधी का वोल्ट करंट सप्लाई के हुए तो करंट पास थी के थोड़ का एनोडे पर ये रिकाब गाल न थी डिस्चार्जिंग न थी करंट फिलो न थी हो पोई डीडी थॉमसन एयर के बाहर कढ़न शुरू कयो, एयर मॉलिक्यूल जने रिड्यूस थींदा विया फ्रॉम ट्यूब बाय वैक्यूम पंप जी मदद सा एयर के रिड्यूस कयो वियो बाहर, रिड्यूस एयर विद हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। जने हिन में मा तकरीबन एयर मॉलिक्यूल निकली विया आई चंद फ्यूएस्ट में रहा तदें कुछ हजार वोल्ट करंट सप्लाई के हुए आई करंट फ्लो थन शुरू थियो माइनस का प्लस आई डे के थोड का एनोड डे स्पार्किंग शुरू थी हुई जदें तमाम फ्यूएस्ट मॉलिक्यूल ट्यूब के अंदर आई प्रेशर 1 mm मर्क्यूरी पे तो तने रिड्यूस एयर कैसे वैक्यूम पंप सा एयर के बाहर कडियो से आई घना एयर मॉलिक्यूल बाहर निकली विया सिर्फ चंद वनी रहा तो प्रेशर डिक्रीज थियो 1 mm मर्क्यूरी आई करंट पास थन शुरू थियो स्पार्किंग जरिए के थोड़ का एनोडे।
इन वरी भी कुछ मॉलिक्यूल बाहर कढ़िया आई जने वो 0.1 mm मर्क्यूरी दे पता तो ये पूरी ट्यूबलाइट गिलो ऑफ लाइट सा भरती वही रोशनी जे मजमूई सा भरती वही आई रोशनी वा नजर पे जे ट्यूबलाइट के अंदर जे ट्यूबलाइट ऑन करना है वो लाइट नजर ही दिया ताने वा गिलो ऑफ लाइट छा है गिलो ऑफ लाइट की है प्रोड्यूसिंग या क्रॉस ट्यूबलाइट के अंदर छा थी दो आए जड़े एटम मीन इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में हुंदा है ने ग्राउंड स्टेट में माना लोअर स्टेट में तो पांच पांच शेल में रिवॉल्व करना है ने और जे करंट सप्लाई का बुआ तो वो आना जी एक्साइटेड हालत थी बिंदिया एक्साइटेड में छा थी दो आए हिटा इलेक्ट्रॉन एनर्जी जजब करे मथे जम करना है ने आई मथा इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करे हिट हिंदा है ने जड़े हिट इलेक्ट्रॉन मथे भी दुआ हिट शेल का मथे शेल भी दुआ है तो एनर्जी जजब कर दुआ आई वरी जड़े मथे इलेक्ट्रॉन उन्हें टाइम ते हिट हिंदा है तो एनर्जी इमिट कर दुआ फोटॉन जी फॉर्म में आई फोटॉन लाइट जी फॉर्म में नजर हिंदा है ने तो जड़े एटम कुछ जो गैस एटम है जिनके ट्यूब के अंदर आ वो एक्साइटेड हालत में आया तो इलेक्ट्रॉन जी शेल्स के अंदर ट्रांजिशन शुरू सी हुई लोअर एनर्जी वाला हायर एनर्जी में प्यार जने लेवल में एनर्जी जजब करे आई हायर था लोअर में प्यार जने जिनके एनर्जी इमिट करे वो एनर्जी जने बाहर निकली तो पूरा ट्यूबलाइट गिलो ऑफ लाइट सा भरजी वो रोशनी सा भरजी वो हन वधिक एयर मॉलिक्यूल बाहर कढ़िया तो प्रेशर अन्या डिक्रीज थी 0.001 mm मर्क्यूरी जदे इन ते प्रेशर पे तो वो पहला रो गिलो ऑफ लाइट डिसअपीयर थी वो एक न्यू लाइट है जेकी आज आई थी जेकी ब्यूटीफुल फेनोमेना पे दिखा रहे जेकी नई लाइट है ट्यूबलाइट के अंदर अपीयर थी उन्हें में एनोड के बरसा कुछ स्ट्रीम ऑफ लाइट जमा थी वे हूं आए वो लाइट चाहे हूं जेजे थॉमसन चयो तो जने गैसियस एटम तमाम घणी एनर्जी जजब कई तमाम घणो एक्साइटेड हालत में चेंज थियो त उन इलेक्ट्रॉन के बाहर कढ़ियो आए वो एटम आयो नाइस थियो त इलेक्ट्रॉन जी चार्ज हुंदी आ माइनस नेगेटिव आए वो नेगेटिव अट्रैक्ट थियण शुरू थी विया एनोड जे पासे दे आए एनोड जे बसा वो नेगेटिव स्ट्रीम्स से जाहिर थियो आए उन्हनि खे जे जे थॉमसन नालो ॾिनो दे आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एंड दे वर इलेक्ट्रॉन्स आए इन्हनि खे इलेक्ट्रॉन्स सॼो वियो त बेसिक ॻाल्हियूं कहिड़ियूं आहिनि हिन ट्यूब जूं त क्रॉस ट्यूब एक्सपेरिमेंट में जेको आहे करंट पास थींदो आहे गैसिस मां बेसिकली गैसिस जेके आहिनि नॉन कंडक्टर ऑफ करंट हूंदियूं आहिनि पर जॾहिं हुन जो प्रेशर लो करे तमामु स्मॉल मॉलिक्यूल्स तमामु फ्यूएस्ट मॉलिक्यूल खयां वञनि ट्यूब जे अंदरि ऐं हाई वोल्टेज ॾिनी वञे त पोइ हुननि मां करंट पास थी सघे थो त जॾहिं एयर हिन में फिल हुई त इन मां करंट पास न पियो थिए 5000 खां 10000 वोल्ट करंट हिन सप्लाई कयो पर करंट पास न थियो पोइ वैक्यूम पंप सां एयर जा मॉलिक्यूल हिन ॿाहिरि कढणु शुरू कया ऐं जॾहिं तमामु फ्यूएस्ट वञी रहिजी विया त प्रेशर बि डिक्रीज़ थी वियो 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी मां 1 mm मर्क्यूरी या इन खां बि लेस त पोइ स्पार्किंग शुरू थी करंट फ्लो थियणु शुरू थी वियो माइनस साइड खां प्लस साइड ते कहिड़े प्रेशर ते 1 mm मर्क्यूरी ऐं जॾहिं हिन अञा प्रेशर रिड्यूस कयो 0.1 mm मर्क्यूरी त पूरी ट्यूबलाइट रोशनीअ सां भरिजी वई उहा रोशनी लाइट छा हुई एटम जेको ट्यूबलाइट जे अंदरि रहियल आहे रिज़िडुअल एटम आहे रहियल आहे बकाया जा
जेके कुछ रहा बचा वो एक्साइटेड हालत में आया इलेक्ट्रॉन उन्हें लोअर एनर्जी लेवल का हायर में जंप पा कन एनर्जी जजब पा कन वरी हायर का जैसे लोअर पा अचन तो वह एनर्जी इमिट पा कन वह एनर्जी फोटॉन की हालत में पी इमिट थे उ लाइट की हालत में पा नजर अचन पूरी ट्यूबलाइट ग्लो ऑफ लाइट रोशनी की मजमू से भर वही यो किथे थो 0.1 mmHg इन अना कुछ मॉलिक्यूलर बाहर कटिया प्रेशर रिड्यूस 0.001 mmHg तो वो पहो ग्लो ऑफ लाइट डिसअपियर थो एक नई ब्यूटिफुल फिनोमेना लाइट नजर आई उनमें कुछ पार्टिकल एनोड के भरसा जाहिर थी वह नजर आया तो इन में यो कॉन्क्लूजन निकतो तो जी एटम ट्यूबलाइट के अंदर आने वो आयोनाइज थी वह आयोनाइज मतलब है उनमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकता है इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर निकरंदा तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज माइनस आए प्लस एनोड मूविंग कंदा आयो सब अच्छी एनोड के भरसा जो स्टी फॉर्म ही नजर आया जेजे थॉम्सन इन दे आर इलेक्ट्रॉन्स ये केतो रे समझी सजी पैरियां इन नालो रखें दे आर इलेक्ट्रॉन अड़ी तरह इलेक्ट्रॉन वर डिस्कवर्ड तो हाँ इन में अहम पॉइंटू कड़ी खड़ू कड़ी अहम पॉइंटू आन नंबर वन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेड थ्रू गैसेस एट ए लोवेस्ट प्रेशर गैसेस में करंट पास लोवेस्ट प्रेशर दे बी पॉइंट ग्लास ट्यूब कनेक्टेड है सील्ड है कैथोड एंड एनोड एंड बोथ वर कनेक्टेड है हाई वोल्टेज बैटरी हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किया गया 8 1 mmHg स्पार्किंग अकर्स फ्रॉम साइड ऑफ कैथोड एंड कॉल्ड कैथोड रेज mmHg होल ट्यूब फिर से अप किलो ऑफ लाइट है रोशनी के मजमू से भर वो एट प्रेशर याद करो 0.001 mmHg न्यू गिलो ऑफ लाइट गिलो ऑफ लाइट सीन इनक्रोस ट्यूब बिहाइंड द एनोड बिहाइंड द एनोड सम रेडिएशन अपीयर कुछ रेडिएशन जाहिर था कॉल्ड कैथोड रेज अगते हली जीजी थॉम्सन कैथोड रेज के देवर इलेक्ट्रॉन तो हाँ क्रॉस ट्यूब जो कुछ अहम पॉइंटू क्रॉस ट्यूब एक्सपेरिमेंट बेसिस आए पैसेज ऑफ करंट थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट थ्रू गैसेस एट लोवेस्ट प्रेशर या पॉइंट आ केड़े प्रेशर ते करंट पासिंग हो गैसेस में
ग्लास ट्यूब सील के ओ कैथोड एनोड सा आयन के कनेक्ट के हाई वोल्टेज बैटरी सा 1A में मल्टी प्रेशर के वेओ स्पार्किंग शुरू थी फ्रॉम द साइड ऑफ कैथोड कैथोड रेस दी सको था 0.1 ते प्रेशर ते सजो ट्यूब किलो ऑफ लाइट सा भरजियो जेमी फोटॉन नजर आया 0.001 एमए मर्क्यूरी ते न्यू किलो ऑफ लाइट ते अपीयर थयो क्रॉस ट्यूब में बिहाइंड द एनोड आई ओए रेडिएशन ने जे आव्या केथो रेस आई जे जे थॉमसन उनन के नालो दनो देवर इलेक्ट्रॉन्स एड़ी तरह इलेक्ट्रॉन डिस्कवर थया अच्छा ने प्रॉपर्टीज ऑफ केथोड रेज प्रॉपर्टीज ऑफ केथोड रेस केडी वन प्रॉपर्टीज ऑफ केथोड रेज केथोड रेस ते मुख्तलिफ साइंसदानन कम कयो आए जे जे थॉमसन वधिक कयो आ ऐं चयो वियो आ त इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कया ने जे जे थॉमसन ताणी पहिरीं प्रॉपर्टी आहे हिन जी द रेज ट्रेवल स्ट्रेट लाइन द रेज कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन है यो सीधी लाइन में सफर करना है ना देशो शार्प शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन दियर पाथ है प्लेस्ड इन दियर पाथ है इन जे रस्ते में जेकर को ऑब्जेक्ट रखे वने तो शेडो नजर इंदो आ शेडो नजर कें जो इंदो आ जेको मास पार्टिकल हो जे त इलेक्ट्रॉन मास तो रखे मैटर आ उन जे करे ने जो शेडो अची सके तो प्लेस्ड इन देयर पाथ बिकॉज ऑफ मास पार्टिकल छो तो यो मास पार्टिकल आए नंबर 2 आए The rays penetrate. Rays penetrate. Penetrate चे गोआ पास थी वन्यान. Paper खणाओ. आई paper मा. Paper खणाओ आई paper मा. Radiation पास थी वन्यान बे पास ही खां. ता ये penetrate थी बिया. आई सुराख बन थे. Without perforation जे. The alpha cathode rays penetrate pass thi vajan pya small thickness of meter cab meter ma like a gold ya aluminium foil aluminium de sanade metal de sanade sima without producing perforation without producing a perforation in foil सुराख करण का बगैर सुराख थे न पियो आई केथो रेस जे के ने पास ही पियो ने माना केथोड रेस जे के आए ने बगैर सुराख जे के मटेरियल से मा पास ही पियो ने केथोड रेज डिफ्लेक्टेड है डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो पॉजिटिव पोल एंड इंडिकेट दे केरी निगेटिव चार्ज दे केरी निगेटिव चार्ज
कैथोड से मुड़ी पे आ जाने मैग्नेटिक फील्ड के जरिए सा मैग्नेट फील्ड रखा हूं पोलर का मुड़ी पे आ जान या इलेक्ट्रिकल फील्ड सा मुड़ी पे आ जान केड़े पासे ले पे मुड़न पासे टू पोल प्लस वाले साइड है आयोनी मास जाहिर थियो तो कैथोड के मथा पांजी की क्या नेगेटिव चार्ज आ। नंबर फोर्थ प्रॉपर्टी आए There is exert mechanical pressure. There is can exert mechanical pressure. Mechanical pressure का शो करने, showing the possessive kinetic energy. बिकॉज प्रोवाइड एनर्जी टू अदर ऑब्जेक्ट आर मैटर आर मटीरियल ही जैसे वे कैथोड से कोलाइड पा कने टच पा कने तो पानी एनर्जी उन्हें दा ट्रांसफर पा कने माना इन्हन के हाई काइनेटिक एनर्जी आए। नंबर फाइव दर इज वर सीन है जेके डिठा गया रहे थे नाइट है डिपेंड अपॉन कैथोड एनोड नारे गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ए डिस्चार्ज ट्यूब बट दे डिपेंड एटम से आयोनाइज्ड इन्ने डिस्चार्ज ट्यूब तहानी चौथा है द रेज कैन एग्जर्ट मैकेनिकल प्रेशर इन्हे मतलब आ त रेज पांजे एनर्जी बे के दिंदा है ने उन के हीट प्रोवाइड कंदा है ने बे के मटेरियल के जने उन सा कोलाइड कंदा है ने The rays were seen neither depend upon the cathode anode nor gas or molecule present in this tube. जेके cathode rays जी किरिठा आया cross tube में वो इनको depend कर था cathode anode जेको material आए electrode आरो नको gas molecule जेके tube जे अंदर fill up थे पर वो depend कर था atoms ionized जेके एटम आयोनाइज थी विया ट्यूब के अंदर जने एटम आयोनाइज थी दुआ त उने जा इलेक्ट्रॉन है बाहर निकरंदा है ने आए वे एनोड जे बसा रिठा होया ट्यूबलाइट के अंदर गैस मॉलिक्यूल चेन थी ना ने पया एटॉमिक फॉर्मिंग आए उने खां पो उने मा इलेक्ट्रॉन आयोनाइज थी दा है ने आयन मा इलेक्ट्रॉन आयोनाइज थी दुआ है आए वो इलेक्ट्रॉन है एनोड जे बरसा रिठा व्या त कैथोड रेज के हन से जो देवर इलेक्ट्रॉन्स लास्ट में आए दीदी थॉमसन कैथोड रेज से खेचे हो त इलेक्ट्रॉन्स आए ने जे जे थॉमसन कार्ड कैथोड रेज वर इलेक्ट्रॉन्स हैविंग ए फिक्स्ड चार्ज एंड मास
मास हाफ इलेक्ट्रॉन छा हुंदा मास हाफ इलेक्ट्रॉन हुंदा 9.11 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम ऐसा है या 9.11 10 पावर माइनस 28 ग्राम नान ऐसा है या 0.0055 AMU ऑन कार्बन स्केल एक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी आए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आए 4.803 10 पावर माइनस 10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या 1.602 10 पावर माइनस 19 कूलम या जो क्या ऐसा है चार्ज ऐसा है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तहानी जेके थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन आई जेके थॉमसन चार्ज पर मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दिनो माना बशे बुझाए जेके थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन जेके थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन एंड आल्सो डिस्कवर चार्ज पर मास रेशो चार्ज पर मास ई अपॉन एम रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन आई वो वैल्यू आए वन पॉइंट सेवन फाइव इंटू 10 पावर 8 कूलम पर ग्राम यू आए ये पाने रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एंड आल्सो डिस्कवर ये पाने रेशियो ऑफ प्रोटॉन अगे अपना ना थे ये पान एम रेशियो ऑफ प्रोटॉन भी ने डिस्कवर कयो त केथो रेस जो प्रॉपर्टीज केडो आए ने स्ट्रेट लाइन में केथो रे सफर कंदा हैं जे करे को भी ऑब्जेक्ट उने जे प्लेस में रखे वने तो उने जो शैडो दिखारिंदा बिकॉज़ दे आर मटेरियल मास पार्टिकल बियो नंबर त रेस जी क्या है ने केथो रेस जी क्या है ने उहे पेनिट्रेट थी विदा ने पास थी विदा ने कै भी मेटर मा विदाउट प्रोड्यूसिंग द परफोरेशन सुराख करने का बगैर लाइक एल्युमिनियम फॉइल गोल्ड फॉइल वगैरह टी गाल है त ए इजीली डिफ्लेक्ट थी विदा ने मैग्नेटिक फील्ड साबे आई इलेक्ट्रिकल फील्ड साबे पॉजिटिव पोल दे छो तो इन के मथा माइनस चार्ज आ चौथी प्रॉपर्टी आ त वो मैकेनिकल प्रेशर ठाइंदा ने ऐ शो कंदा त हाई काइनेटिक एनर्जी था रखन जे कदे कै बॉडी सा टकरा जन त उन के एनर्जी प्रोवाइड कंदा बिगाल त जे के से ट्यूब के अंदर दिखा व्या ओ न को कैथोड एनोड ते डिपेंडेंट आ ने न को गैस मॉलिक्यूल जे की ट्यूब के अंदर आ ने पर गैस एटम हुंदा ने जे के आयनाइज थिंदा ने ऐ उने मा बाहर इंदा ने उनन ते डिपेंडेंट आ ने इलेक्ट्रॉन के फिक्स चार्ज आ ऐ फिक्स मास आ ऐ फिक्स चार्ज पर मास रेशियो बाय इलेक्ट्रॉन के डिस्कवर के ओ जे थॉमसन ऐ उने जे ई अपॉन एम रेशियो के जे थॉमसन नई प्रोटॉन जे ई अपॉन एम के भी जे थॉमसन अ
अठारह लिखा बाद में डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज प्रोटॉन्स इनके साथ कने करें केनाल रेज चौंधा यों एक है डिस्कवर क्या गोल्डस्टाइन प्रोटॉन वास डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टाइन है। अच्छा हाँ इन्हें जो एक्सपेरिमेंट किया है तो इन्हें भी क्रॉस ट्यूब ठाओ क्रॉस ट्यूब खाओ प्लस इन पास माइनस जो इलेक्ट्रोड के थोड़े इन साइड का खड़ा अहम गाल इन की है इन में जी कैथोड यूज कई हुई है परफोरेशन कैथोड परफोरेशन चब जैमें सना सना सुराख होजन इन सुराख के केनाल रेस चो सना सुराख इन कैथोड में इनके केनाल रेस चो गोल्डस्टाइन ट्यूब के अंदर लो प्रेशर से 0.001 mmmercury से एयर के बाहर कढ़ी प्रेशर के इन भी रिड्यूस कर एयर मॉलिक्यूल आउट थी वह तो प्रेशर घट जी वो इन डिफरेंट गैसों खो क्रॉस ट्यूबलाइट के अंदर इन हाइड्रोजन गैस भी खई इन हीलियम गैस भी खई सपोज इन ऑक्सीजन गैस भी हुई इन के अंदर हाँ जैसे तमाम घड़ो 5000 का 10000 वोल्ट करंट सप्लाई कई ते सब करंट पास हो माइनस का प्लस पास दे गैस एटम उनके अंदर आया ये हाईली आयोनाइज थी वह हाइड्रोजन के शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन हुस वो निकली हाँ इन वट सिर्फ एक प्रोटॉन बचो हीलियम के न्यूक्लियस में ब प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन इन जहाँ निकली वह इन वट ब प्लस चार्ज बचा ऑक्सीजन जहाँ इलेक्ट्रॉन अठ ही निकली वह इन वट अठ प्रोटॉन बचा न्यूक्लियस के अंदर हाँ इलेक्ट्रॉन भी इन में आ प्रोटॉन भा इलेक्ट्रॉन जो डायरेक्शन किदे हो एनोड दे अचण जो एनोड दे पे अचन जी प्लस प्रोटॉन बचा हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक हीलियम के न्यूक्लियस में ब ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में हेट इन मूविंग कैथोड थी वही ये सफर कर शुरू थी वह कैथोड कैथोड वट स्ट्रीम ऑफ लाइट जी जाहिर थी उ ये पॉजिटिव पार्टिकल हा जी निगेटिव पोल कैथोड वट मिलिया इन होल्स में केनाल्स में पास पास थे जैसे उनके मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड में पास किया वो तो ये माइनस की तरफ मुड़ी वह जैमा एविडेंस मिलो तो इन के मथा प्लस चार्ज आड़ी तरह प्रोटॉन जो डिस्कवर थो डिस्कवर किया गोल्डस्टाइन दिसवाने यो सागो एक्सपेरिमेंट आए पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर हाँ गोल्डस्टाइन क्रॉस ट्यूब खो परफोरेशन कैथोड कई सुराखन वाली कैथोड कई उनके एनोड से कनेक्ट कर माइनस प्लस के हाई वोल्टेज बैटरी से गंजे इन में डिफरेंट गैसू खयल जैसे 5000 का 10000 वोल्ट करंट पास किया वो तो करंट इन गैसिन के आयोनाइज कर छो इन इलेक्ट्रॉन निकली वह तो बाकी इन वट बचा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो डायरेक्शन कैदे मूविंग करने जो प्लस पास दे छो तो इन चार्ज माइनस हुई एनोड दे प्लस
न्यूक्लियस भी प्रोटॉन बचा उन्हें की अट्रैक्शन कें होंगी परफोरेशन के थ्रोट की ये जैसे प्रोटॉन है हाइड्रोजन जो एक यो भेड़े छिकी आयो अट्रैक्ट कर आयो नेगेटिव कैथोड डे हीलियम जा न्यूक्लियस जा प्रोटॉन भेड़े आया हीलियम एटम आयोनाइज्ड भेड़े आयो ऑक्सीजन एटम आयोनाइज्ड भी नई तरफ आयो आई कैथोड ये बिहाइंड नजर आया आई ने केनाल्स मा होल्स मा पास करे इनन के इलेक्ट्रिकल फील्ड दिनी वही या मैग्नेट फील्ड दिनी वही ते माइनस पोल दे बुड़ी बिया जैमा जाहिर थो तो इन की चार्ज क्या प्लस आ अड़ी तरह प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टाइन एक गाल इन में चार्ज पर मास रेशो सभी जो चेंज हो हाइड्रोजन जो चार्ज पर मास रेशो आ प्रोटॉन चेंज हो चार्ज अपान मास हर एक गैस जो अलग अलग काउंट थो यो काउंट कयो जे जे थॉमसन चार्ज वैल्यू ही कुलो हुंदो आ जेको इलेक्ट्रॉन जो आ वो सागो प्रोटॉन जो आ देखने सा चार्ज वैल्यू करू था 1.602 10 पावर माइनस 19 कूलम अपान है मास केडी गैस जो हाइड्रोजन जो तो हाइड्रोजन वटा एक प्रोटॉन एक प्रोटॉन जो मास जेको आ हन के डिवाइड कंदो ठीक आ अने केने वो सा ग्राम में खणो तो 1.602 10 पावर माइनस 24 ग्राम है ने 24 ग्राम एकड़े प्रोटॉन जो मास ए किलोग्राम खणंदम तो 1.602 इनटू 10 पावर माइनस 27 किलोग्राम मासा प्रोटॉन किलोग्राम में एंड ग्राम में माइनस 24 ग्राम है तो इन के इन सा डिवाइड कयो जवाब जेको बचे एरी तरह वरी हीलियम खणो हीलियम जो चार्ज भी सागो 1.602 10 पावर माइनस 19 अपान है ही वैल्यू छा दिंदो डबल 2 इंटू 1.602 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम है आने बिन साबर मना ही वैल्यू थी गया मना बिन प्रोटॉन जो वैल्यू बंद कर दो तो द हीलियम के न्यूक्लियस में बस प्रोटॉन है ने द हिने जो मास की को घट ही दो हिने जो जवाब ग्रेटर हों दो लार्जर हों दो वडो हों दो आहिने जो जवाब जो आ इने का इस्तेमाल लेदो जेकर अन्या सा ऑक्सीजन गैस खणो ता ऑक्सीजन जो चार्ज पर मास रेशियो जो का चार्ज वैल्यू 1.602 10 पावर माइनस 20 19 कूलम सागो अपान 8 प्रोटॉन सा जरब थिंदी 8 1.602 10 पावर माइनस 24 ता 8 प्रोटॉन अन्या गरा थी विया ता हिन जो जवाब जेको आ अन्या स्मॉलेस्ट ईंदो अन्या चाहिंदो स्मॉलेस्ट ता चार्ज पर मास रेशो प्रोटॉन जो डिपेंड कंदो आ नेचर ऑफ गैस ते जै गैस में प्रोटॉन घणा हुंदा उन जो चार्ज पर मास रेशो जेको आ घट में घट ईंदो ता अचवाणी क्रॉस ट्यूब एनोड परफोरेशन कैथोड करंट पास करने का पो एटम है गैस एटम है आयोनाइज थी गया इलेक्ट्रॉन है दी प्याचन इन जो न्यूक्लियस छिक जन पे अट्रैक्शन पे दे कैथोड आ कैथोड ये बरसा नजर आया आई देरे इन के नाल मा पास करे फील्ड मा गुजार वेओ तो माइनस पोल दे मुड़ी गया जें जो मतलब आए तो इनन के मथा प्लस चार्ज आ जे जे थॉमसन यो प्रूव कयो त हर एक गैस जो चार्ज पर मास रेशो डिपेंड कंदो आ नेचर ऑफ गैस ते ए हर एक जो डिफरेंट थिंदो आ सारे ने मी आम पॉइंट केडियो आए ने गोल्डस्टाइन डिस्कवर्ड प्रोटॉन टू
जे थॉमसन डिस्कवर्ड E/m रेशो ऑफ प्रोटॉन नंबर 3 चार्ज अपॉन मास रेशो ऑफ प्रोटॉन से डिपेंड कंदवा अपॉन द नेचर ऑफ गैस हाईएस्ट चार्ज अपॉन मास रेशो ऑफ प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय हाइड्रोजन गैस गोल्डस्टाइन यूज्ड परफोरेशन कैथोड सुराखन वाले कैथोड इन क्रूस ट्यूब फाइनली पॉजिटिव रेज प्रोटॉन्स इन क्रूस ट्यूब आर डिस्चार्ज ट्यूब क्रूस ट्यूब चेबो डिस्चार्ज ट्यूब चेबो आर ए डिस्चार्ज ट्यूब सीन बाय बिहाइंड द कैथोड बिहाइंड द कैथोड कैथोड जे वर्सा सो दिस इज द पॉजिटिव रेज प्रोटॉन्स डिस्कवरी ही अहम पॉइंट वन एमसीक्यू आइन प्रोटॉन जी डिस्कवरी जा गोल्डस्टाइन प्रोटॉन के डिस्कवर कयो जी जी थॉमसन चार्ज पर मास रेशो के कयो ए चार्ज पर मास रे प्रोटॉन डिपेंड कर वा गैस ट्यूब नेचर ऑफ गैस थे हाईएस्ट चार्ज पर मास रेशो प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय हाइड्रोजन गैस गोल्डस्टाइन यूज परफोरेशन कैथोड इन क्रूस ट्यूब पॉजिटिव रेज प्रोटॉन इन क्रूस ट्यूब डिस्चार्ज ट्यूब सीन बाय बिहाइंड द कैथोड कैथोड के बरसा लिखा हुआ प्रोटॉन जी चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगी चार्ज ऑफ चार्ज वैल्यू ऑफ प्रोटॉन साजी 1.602 10 पावर माइनस 19 कूलम एसआई 4.802 10 पावर माइनस 10 ईएसयू नॉन एसआई मास ऑफ प्रोटॉन है 1.602 10 पावर माइनस 27 किलोग्राम आर एंड 1.602 10 पावर माइनस 24 ग्राम से ऑन कार्बन स्केल इट इज 1.007 एम यू आर एट 1.008 AMU IO 836 टाइम्स से लाइटर आ दें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का 836 टाइम है सॉरी इलेक्ट्रॉन 836 टाइम लाइटर दें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 836 टाइम लाइटर आ दें प्रोटॉन मैं प्रोटॉन 836 टाइम गरु आ इलेक्ट्रॉन जे मास का सो दिस इज द डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज प्रोटॉन से चंगु बाबा इट इज इनफ टुडे अल्लाह हाफिज़